बचना चाहिए। मैं यहाँ एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर कल पूरे प्रदेश में गरीब कल्याण दिवस मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश सरकार सभी विकास खंडों पर, प्रदेश के 850 से अधिक विकास खंड हैं, इन सभी विकास खंडों पर विकास और स्वास्थ्य के मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आम जन में जो 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 हमारे सरकारी योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं, जो गरीब हैं और इस प्रकार पात्र हैं, सभी योजनाओं में उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कल जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां मुफ्त में जो है दवाइयां दी जाएंगी, मुफ्त में आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे, इस प्रकार टीकाकरण मुफ्त किया जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण मुफ्त किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के बैंकों के माध्यम से वितरण होने वाले ऋणों का वितरण किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों का वितरण किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, उज्ज्वला के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी, उनको लाभान्वित भी किया जाएगा, साफ सफाई, पेंशन और खाद्य सुरक्षा, जो गरीब बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं के लाभ के लिए उनके दोनों का उनका लाभों का वितरण और जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनकी पहचान, और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की अन्य जो योजनाएं हैं उनका, कन्या सुमंगला योजना का, जो उद्योग विभाग की रोजगार की, सदर रोजगार की योजनाएं हैं, उनमें लाभार्थियों का चयन और ऋणों का वितरण एक बड़े वृहद स्तर पर पूरे प्रदेश में गरीब कल्याण उत्सव जो है वो आयोजित किया जा रहा है। आप भी बड़ी से बड़ी